अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 99। हम सीख रहे हैं शॉपिंग। जो दोस्त लेसन पर नए हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हुए आएँ। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। Was möchtest du kaufen? इसके माने होते हैं आपको क्या ख़रीदना पसंद करेंगे, आप क्या ख़रीदना पसंद करेंगे या आप क्या ख़रीदना चाहेंगे। ऐसे जुमले को किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में, वट वुड यू लाइक टू बाय, आप क्या ख़रीदना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते। Meine Mutter geht ins Kaufhaus. Meine Mutter geht ins Kaufhaus. इसके माने होते हैं मेरी अम्मी डिपार्टमेंट स्टोर जा रही हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे। माई मदर इज़ गोइंग टू द डिपार्टमेंट स्टोर, मेरी अम्मी डिपार्टमेंट स्टोर जा रही हैं। आगे बढ़ते। Ich bin aufgeregt und ein bisschen nervös. Ich bin aufgeregt und ein bisschen nervös. इसके माने होते हैं मैं एक्साइटेड, मैं पुरजोश हूँ और थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा घबराया हुआ हूँ। दोबारा सुन लीजिए। Ich bin aufgeregt und ein bisschen nervös. Ich bin aufgeregt und ein bisschen nervös. इसके माने होते हैं मैं पुरजोश हूँ और थोड़ा घबराया हुआ हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। आई एम एक्साइटेड एंड अ लिटिल नर्वस, मैं पुरजोश हूँ और थोड़ा घबराया हुआ हूँ। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से एक्साइटेड, एक्साइटेड को आप किस तरह से कहते हैं। एक्साइटेड के माने होते हैं पुरजोश, तो एक्साइटेड को जर्मन में क्या बोलेंगे। Aufgeregt. आगे बढ़ते। Nein, ich habe eine Bluse. Nein, ich habe eine Bluse. इसके माने होते हैं नहीं, मेरे पास एक ब्लाउज है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। नो आई हैव अ ब्लाउज, नहीं मेरे पास एक ब्लाउज है। आगे बढ़ते। Nein, ich muss Milch und Brot kaufen. Nein, ich muss Milch und Brot kaufen. इसके माने होते हैं नहीं, मुझे दूध और रोटी ख़रीदना है। इसमें जो पिंक से मोस्टली लगा है उसके उसमें इंग्लिश में होता है हैव टू, मस्ट। दोबारा सुनिए। Nein, ich muss Milch und Brot kaufen. Nein, ich muss Milch und Brot kaufen. इसके माने होते हैं नहीं, मुझे दूध और रोटी ख़रीदना है। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। नो आई हैव, नो आई हैव टू बाय मिल्क एंड ब्रेड, नहीं मुझे दूध और रोटी ख़रीदना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ब्लाउज, ब्लाउज को आप किस तरह से कहते हैं जर्मन में। ब्लूज़। आगे बढ़ते हैं। वन गेन वियर, वन गेन वियर, इसके माने होते हैं हम कब जा रहे हैं। वन गेन वियर इसके माने होते हैं हम कब जा रहे हैं। जर्मन जो जर्मन में जो पिंक से लिखा है इसमें गेन उसका मतलब होता है गो या गोइंग। चले तो इसको लिखते हैं इंग्लिश में। वेन आर वी गोइंग, हम कब जा रहे हैं। वन गेन वियर। वस मस्ट टू काउफन, वस मस्ट डू कॉफन, इसके माने होते हैं आपको क्या ख़रीदना है। दोबारा सुनिए। वस मस्ट डू कॉफन, वस मस्ट डू कॉफन, इसके माने होते हैं आपको क्या ख़रीदना है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। वट डू यू हैव टू बाय, आपको क्या ख़रीदना है। वस मस्ट डू कॉफन। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से गो, गो को आप किस तरह से कहते हैं। गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो गो को आप जर्मन में क्या बोलेंगे। गेन गेन। आगे बढ़ते हैं।
पेयर मैच करते हैं सैलेड, सैलेड को क्या बोलते हैं जर्मन में? सलाद। ऑफन, ऑफन के माने होते हैं अक्सर, तो जर्मन में क्या होता? ऑफ्ट। गो, गो माने होता है जाना, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? गेन। नाइन, नाइन मतलब होता है नो, तो जर्मन में क्या होगा? नाइन। वैन, वैन माने होता है कब, तो जर्मन में क्या होता है? वन। आगे बढ़ते हैं। Ich bin sehr aufgeregt. पहले इसको हम लिखेंगे तरतीब से। Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. इसके माने होते हैं मैं बहुत पुरजोश हूँ। इंग्लिश में होगा I am very excited. आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं सन के माने होते हैं बेटा, तो जर्मन में बोलते हैं Sohn. ऑरेंजेस को जर्मन में क्या बोला जाता है? Orangen. बेड, बेड के माने होता है बुरा, तो जर्मन में क्या होगा? Schlecht. Schlecht. टर्किश, टर्किश को क्या बोलते हैं जर्मन में? Türkisch. ब्लाउज, ब्लाउज को क्या बोलते हैं जर्मन में? Bluse. Meine Mutter geht ins Kaufhaus. Meine Mutter geht ins Kaufhaus. इसके माने होते हैं मेरी अम्मी डिपार्टमेंट स्टोर जा रही हैं। ठीक है, ये माइक नहीं चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।